मैं अनीता सिंह। डी साहब ने तुहानू बड़ी विस्तार दे नाल दस दिता वा सखी वन स्टॉप सेंटर साढ़े तरन तारण जिले दे विच डी सी साहब की हिम्मत नाल लिया गया वा। मैं इन्हों का धन्यवाद भी करता वा। और एक यूनीक सेंटर वा अंडर वन रूफ जिहड़ियां ने औरतों की समस्या जिहड़ी इत्थे हल की जाती हैगी है। और मैं समझदा कि जिहड़ियां हर दफ्तर दे विच कोई बेटियां अनपढ़ साड़ियां ने जां मावतावां ने उन्होंने भड़कना पैंदा सी उह इत्थे सखी वन स्टॉप सेंटर ते आ के अपनियां सहूलतां जिहड़ियां ने प्राप्त कर सकदियां है। कि औरतों प्रति जेडे कोई अपराध होंगे ने कोई क्राइम्स होंगे ने उन्होंने हरेक दफ्तर के चाहे पुलिस होवे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर हो या सिविल सर्जन दफ्तर होवे या हॉस्पिटल होवे या फिर वकीलों को उत्थे कई थावां ते उन्होंने जाना पैंदा अपनी समस्या नूं लैके अपने नाल संबंधित फैसिलिटीज़ लैण वास्ते। हुण ये सखी वन स्टॉप सेंटर ऐसा सेंटर बन गया जिथे अपनी एको ही जगह के उपर आना इतों ही इतों का स्टाफ वो सारिया एजेंसीज नाल सारे डिपार्टमेंट्स नाल कोआर्डीनेट करेगा ताकि उन्होंने उस मौके बनती राहत दी जा सके। तो इस सेंटर के खुलन ते मैं सारे जिला तरन तारण के वासियों मुबारकबाद दिना ते नाल दी नाल ये सारिआं नूं गुजारिश है कि ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए पर जेकर होंदे ने तां औरतां नूं चुप नहीं बैठना चाहिए। इस सखी वन स्टॉप सेंटर का सहारा सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 में पूसा महिला कमीशन के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य हिंसा द्वारा पीड़ित महिलाओं को कानूनी, डॉक्टरी, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, पुलिस सहायता और शॉर्ट स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। इसके वन स्टॉप सेंटर के जो भी कर्तव्य हैं और जो भी अधिकार हैं वो एक मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू निगरानी इसकी की जाती है। मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन माननीय डिप्टी कमिश्नर हैं, एसएसपी सर इसके मेंबर हैं, डालसा के सेक्रेटरी जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इनके थ्रू हमें कानूनी और सीएमओ के थ्रू हमें डॉक्टरी ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वन स्टॉप सेंटर में। जैसे गांव में औरतें रहती हैं, किसी को नहीं मालूम होता भी यहाँ पर कहीं थाने जाती हैं, वो सीधे आपके पास संपर्क कर सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारा जो सेंटर है वो 24 घंटे खुला होता है। 24 घंटे में